हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी वकार अहमद एंड यू वाचिंग TW इन्फॉर्मेशन। तो गाइस, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ हैरियत से होंगे और ज़िंदगी के मज़े लूट रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। 7 अप्रैल है और संडे वाला दिन है। टाइम इस वक्त 7 बज चुके हैं। नमाज और इफ्तारी से फ्री होकर अब हम जून में चलते हैं और जून में जाकर देखते हैं कि आज का दिन हमारे साथ कैसा रहता है। उम्मीद करता हूँ अल्लाह पाक खैर करेगा। 2-3 दिन बाद ईद है, आज 27वां रोज़ा है और इंशाल्लाह ताला लोग अपने घरों से निकलेंगे और राइड्स ज़्यादा से ज़्यादा होंगी। है रहिएगा हमारे साथ, इस व्लॉग को एंड तक देखिएगा। मिलते हैं जून में। लेकिन अगर तो उससे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये तो भी वर्थ हमारे पास फर्स्ट राइड आ चुकी है। टाइम इस वक्त 7:27 हो चुके हैं। इनको हमने पैरिस रोड से पिक करना है और ड्रॉप इनको गौशाला रोड पे करना है। इनकी पिकअप लोकेशन 1.1 किलोमीटर एंड 5 मिनट्स। सो लेट्स गो फ्रेंड्स। ये तो भी वर्थ हम पिकअप लोकेशन पर पहुँच चुके हैं। टाइम इस वक्त 7:34 हो चुके हैं। इनकी ड्रॉप ऑफ लोकेशन 2.7 किलोमीटर एंड 8 मिनट्स। सो लेट्स गो फ्रेंड्स। ये तो भी वर्थ खाना डिलीवर कर दिया है। इस वक्त 7:45 हो चुके हैं। कंप्लीट डिलीवरी। और अब हम नेक्स्ट राइड का वेट कर रहे हैं। जैसे हमें को नेक्स्ट राइड मिलती है तो आपको बताते हैं। ये तो भी वर्थ हमारे पास नेक्स्ट राइड आ चुकी है। टाइम इस वक्त 7:51 हो चुके हैं। इनको हमने पीर मुरा दिया रंगपुरा से पिक करना है और डेबो एक्सप्रेस में ड्रॉप करना है। इनकी पिकअप लोकेशन 2 किलोमीटर एंड 6 मिनट। सो लेट्स गो फ्रेंड्स। ये तो भी वर्थ हम पिकअप लोकेशन पर पहुँच चुके हैं। टाइम इस वक्त 8 बज चुके हैं। इनकी ड्रॉप ऑफ लोकेशन 5.6 किलोमीटर एंड 18 मिनट। सो लेट्स गो फ्रेंड्स। इस वक्त हम रंगपुरा में मौजूद हैं, पीर मुराद अली शाह दरबार के पास खड़े हैं। इनकी भी बहुत ही यूनिक हिस्ट्री है, इंशाल्लाह ताला आपको किसी दिन बताएंगे। चलते हैं अभी राइड को पिक करने। ये तो भी अगर राइड को कर दिया ड्रॉप। इस वक्त 8:17 हो चुके हैं और कंप्लीट द राइड। इस वक्त हम सियालकोट लारिया डे में मौजूद हैं। काफ़ी रश है आज सियालकोट लारिया डे में। ईद के दिन है, लोग अपने घरों को जा रहे हैं, लोग थक के घर जाते हैं। बस ही तुम किधर जाओगे? आजा भाई, लाला आ गया। आजा 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 बिलाल टाउन, बिलाल टाउन। चलो भाई लाला चौक, चलो भाई लाला चौकला चौकला। लाला जी मसरूफ हो गए हैं, राइड नहीं उठा रहे। अस्करी 2 से इन्होंने जाना है बिलाल टाउन। 250 यार ठीक था लाला जी, पर लाला जी मसरूफ़ है, नहीं उठाई है इन्होंने राइड। अल्लाह मालिक है। ये तो व्यूअर्स, जैसे ही कोई नेक्स्ट राइड मिलती है तो आपको बताते हैं। ये तो व्यूअर्स हमारे पास नेक्स्ट राइड आ चुकी है। 8:22 हो चुके हैं। इनको हमने निशाद पार्क से पिक करना है और रहमतपुरा में ड्रॉप करना है। इनकी पिकअप लोकेशन 1.8 किलोमीटर एंड 5 मिनट। सो लेट्स गो फ्रेंड्स। ये तो भी वर्थ हम पिकअप लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। टाइम इस वक्त 8:26 हो चुके हैं। इनके ड्रॉप ऑफ लोकेशन 1.8 किलोमीटर एंड 5 मिनट। सो लेट्स गो फ्रेंड्स। ये तो भी वर्थ राइड को कर दिया ड्रॉप, कंप्लीट द राइड। इस वक्त 8:32 हो चुके हैं और अब हम नेक्स्ट राइड का वेट करते हैं। जैसे ही हमें कोई नेक्स्ट राइड मिलती है तो आपको बताते हैं। ये तो भी वर्थ हमारे पास नेक्स्ट राइड आ चुके हैं। टाइम इस वक्त 8:50 हो चुके हैं। इनको हमने अलामा इकबाल कॉलोनी से पिक करना है और किले पर ड्रॉप करना है। इनके पिकअप लोकेशन 1.7 किलोमीटर एंड 5 मिनट। सो लेट्स गो फ्रेंड्स। ये तो भी वर्थ हम पिकअप लोकेशन पर पहुँच चुके हैं। टाइम इस वक्त 8:54 हो चुके हैं। इनके ड्रॉप ऑफ लोकेशन 2.6 किलोमीटर एंड 7 मिनट। सो लेट्स गो फ्रेंड्स। ये तो भी वर्थ राइड को कर दिया ड्रॉप। इस वक्त 9:01 हो चुके हैं, कंप्लीट द राइट। इस वक्त हम सियालकोट किले के पास मौजूद हैं। ये सीढ़ियाँ जो सी हैं सियालकोट किले के ऊपर जाती हैं और ये उर्दू बाजार है, यहाँ पे अड्डा शुबाल है। ये रोड रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा है। ये तो अभी वर्थ हमारे पास नेक्स्ट स्टार्ट आ चुकी है। टाइम इस वक्त 9:12 हो चुके हैं। इनको हमने पिक करना है कमिश्नर रोड से और ड्रॉप करना है मुबारकपुरा में। इनके पिकअप लोकेशन 700 मीटर एंड 3 मिनट। सो लेट्स गो फ्रेंड्स। ये तो भी वर्थ हम पिकअप लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। टाइम इस वक्त 9:15 हो चुके हैं। इनके ड्रॉप ऑफ लोकेशन 1.8 किलोमीटर एंड 5 मिनट। सो लेट्स गो फ्रेंड्स। ये तो भी वर्थ राइको कर दिया ड्रॉप। इस वक्त 9:28 हो चुके हैं और अब हम घर चलते हैं और घर जाकर देखते हैं कि आज हमने क्या खोया क्या पाया।
जी तो व्यूवर्स घर आ चुका हूँ। टाइम इस वक्त 9:55 हो चुके हैं। आज मैं 7 बजे के करीब रूम में गया था और 9:30 बजे के करीब वापस आ चुका हूँ। व्यूवर्स इन 2.5 घंटों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी है आज अर्निंग हो चुकी है। इफ्तारी से पहले मुझे एक प्राइवेट कॉल आई थी, उनको भी मैंने ड्रॉप किया था, उन्हें हॉस्पिटल जाना था, उन्होंने मुझे 200 पे किया था। इफ्तारी के बाद हमने कितनी अर्निंग की है ये जानने के लिए हम मूव करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर। इंटर ऐप को कर लिया है ऑन। इंटर ऐप के मुताबिक आज हमारी टोटल अर्निंग हुई है 690 रुपीज़ की, लेकिन मुझे कुछ एक्स्ट्रा भी पे किए हैं। फर्स्ट राइड ने मुझे 400 पे किया है, काफ़ी 200 था। इन्होंने मुझे टोटल 300 दिया जिसमें से मुझे 100 टिप दी, और जब मैंने पार्सल डिलीवर किया तो डिलीवर वालों ने मुझे 100 रुपीज़ टिप दी। सो गाइस 200 एक्स्ट्रा ये हम ऐड करेंगे। इसके अलावा मुझे लास्ट राइड ने भी 200 पे किया है, इनका फेयर 124 था, इन्होंने मुझे 200 पे किया है। सो गाइस इसमें हम 75 रुपीज़ एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। टोटल अर्निंग हमारे 690 रुपीज़ है। कैलकुलेटर को ऑन कर लेते हैं। प्लस 75 रुपीज़ लास्ट राइड के और 200 रुपीज़ फर्स्ट राइड के, प्लस इसमें हम ऐड करेंगे प्राइवेट राइड वाले 200। सो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह आज का काम बहुत ही बेहतर रहा। इसमें से हम माइनस करते हैं आज का पेट्रोल, पेट्रोल लगा 210 का। सो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह आज का काम बहुत ही अच्छा रहा। बेसिकली इस बार ऐसा हुआ कि एक तरफ तो रमज़ान आ गया और उसके साथ ही इंटरव ने अपनी एप्लीकेशन अपडेट कर दी, जिसकी वजह से समझ नहीं लगी कुछ राइडर्स को कि एप्लीकेशन अपडेट होने की वजह से ये काम हो रहा है या रमज़ान बीमारी की वजह से। डाउट तो यही है कि इंशाल्लाह ताला रोज़ों के बाद काम बेहतर हो जाएगा, लेकिन इंटरव के जो अपडेट है ये भी बहुत से ड्राइवर्स को मायूस कर रही है। इंशाल्लाह ताला हालात बेहतर हो जाएंगे, उम्मीद पे दुनिया कायम है। TW इन्फॉर्मेशन का आज का ये ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।